बेलगाम पार्षद गालीबाज पार्षद जो महिलाओं की भी नहीं करता शर्म, गाली गलौज को लेकर सुर्खियों में रहा है। गालीबाज पार्षद दलित माटा, अतिक्रमण हटाने गई टीम ने लगाया आरोप, जमकर गालियां। फिर नगर परिषद कार्यालय में पहुंच नगर परिषद सचिव को जमकर दी गालियां। गुंडागर्दी करते हुए कहा, दम है तो कराओ FIR। गाली गलौज करते हुए का वीडियो हुआ वायरल। नगर परिषद के कर्मचारी काम छोड़ बैठे धरने पर, FIR दर्ज कराने की मांग। कर्मचारियों ने दी चेतावनी, नहीं हुई FIR तो कमेटी के गेट पर जड़ देंगे ताला। अपने सेक्रेटरी महोदय से एक गुजारिश करूंगा कि आगे की रणनीति क्या है, क्या आपने कहा। और मेरे सभी भाई बंधु व स्टाफ के मेंबर्स, जो हमारे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अतिक्रमण टीम के साथ जो किया गया और जो स्टाफ के साथ निष्क्रिय किया गया पार्षद द्वारा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा PO साहब को उनके इलेक्शन में ड्यूटी लगी बाबरी ईमेल कर दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र इस पर FIR दर्ज करा के आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तथा अब मेरे सफाई कर्मचारी के सम्मान को DMC महोदय को भी मैंने इसके बारे में बता दिया। बदतमीज पार्षद मुर्दाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सभी की तरफ से एक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि कल जो हमने ज्ञापन दिया था आपको, उसमें कार्रवाई जल्दी जल्दी क्यों नहीं की गई। तरीके वेबसाइट पे ईमेल कर दिया गया है, फोन पे भी मैसेज दे दिया गया है। हमारे DMC महोदय को भी इसके बारे में बता दिया है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कल से कोई सफाई जारी नहीं होगा मेरे हम क्या भूख करते हैं? क्या काम नहीं चलेगा तो हमने सामने गाड़ी दे रहे हैं। थोड़ा एक मिनट, हर कैसे बोलिए जाते हो? सेक्रेटरी महोदय कल से उठती है, कल से इस गेट पर ताला लगेगा। हमारे महेंद्र प्रधान का ऐलान है, कल से इस गेट पर ताला लगेगा। जब तक नहीं होगी गिरफ्तार नहीं होगी। और साथियों, पहले कोई बात ही नहीं होगी हमारे सरकार करने जाती बात। अगर वो दिया था ज्ञापन, और उसके बाद DMC साहब को पता है ऐसी कौन सी FIR दर्ज होगी जो 72 घंटे में होती है। भाई हमारे अधिकारी हमारे कर्मचारी भाई जब तक बैठे रहेंगे तब तक भाई क्या कुछ कहने गए थे क्या उनका? उनके द्वारा जो हमें ज्ञापन मिला था कि जो हमारी अतिक्रमण टीम के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करी जाए। हमारे कार्यकारी अधिकारी महोदय की इलेक्शन के दौरान दादरी नगर परिषद में ड्यूटी लगी हुई है, मेरे द्वारा उनको फोन पे बता दिया गया है, तथा उनको जो संबंधित दस्तावेज है वे हमने ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया है। मेरे द्वारा अपने DMC महोदय को बता दिया गया है कि उचित कार्रवाई करें। अब क्या कहा है उन्होंने? हमारे जो यूनियन के प्रधान हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 1 मिनट हमारे पास आए, हमारे साथ 1 मिनट बैठें, क्योंकि हमारे सम्मान की बात है। उन्होंने मुझे कहा है कि यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करी जिला प्रशासन ने, तो कंटिन्यू हड़ताल के लिए चले जाए। कल से ताड़ा भी लगा देने की बात, ताड़ा भी लगा देने की बात कही गई है। FIR दर्ज करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या क्या आपने लिख के दिया है पुलिस वालों को? मेरे द्वारा हमारे EO महोदय को ऑलरेडी ईमेल किया हुआ, सारे दस्तावेज भेजे हुए जी। अगर केस दर्ज नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? केस दर्ज नहीं हुआ तो हम इस गेट का केस दर्ज कर देंगे। जब तक माटा जेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक माटा साहब हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा, और माटा साहब ने जो भी बदतमीजी की है, जो भी दुर्व्यवहार किया है, उसका खामियाजा उसने जरूर भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं भी किसी के झापट मार के माफ़ी मांग लूँगा, आपसे भी मैं गालियां देख करके माफ़ी मांग लूँगा। ये कौन सा तरीका है कि जो
शहर की नुमाइंदा चेयरमैन साहब उनके ऑफिस में विराजमान है वो, और लेडीज पार्षद भी वहाँ विराजमान है। उनको तो अपना बहुमत चाहिए, वो तो उसका तो बहुमत टूट जाएगा, और हमने ये बहुमत चाहिए इज्जत का, ये इज्जतदार है, ये इज्जत का बहुमत चाहिए, और चेयरमैन साहब को चाहिए पार्षदों का बहुमत, जो कि अपने रूम में अपने ऑफिस के अंदर बैठ करके ऐसे गंदे आदमी के भाषण सुनती है, जिसे वक्त धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था, और जिसे वक्त उसको हवालात में भेज देना चाहिए था। मैं चेयरमैन साहब को चुनौती दे रहा हूँ इस बात की कि इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, ना कि बहुमत। ऐसे ही सचिव महोदय के कमरे में जवान, ये बच्ची, ये हमारी बच्ची है, सचिव महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ये बच्ची शायद उसकी होती ना तो वो किसी वक्त कदम उठा देता और किसी वक्त गेट के ताड़ा लगवा देता। ये दर्द हमारी छाती में है, ये बच्ची हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं सफाई कर्मचारी संघ और परिषद का एक एक कर्मचारी, जब तक माता की ईंट से ईंट नहीं बजेगी, जब तक ये जाजम यही रहेगी और कोई काम नहीं होगा। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ ऐसे गंदे घटिया पार्षद का, जो कि शहर में ऐसे फिरता है, ऐसे ऐसे जैसे कि कितना इज्जत का धनी है। इज्जत के धनी हम हैं, जो कि हम शहर से प्यार करते हैं, अपनी जनता के, अपनी शहर की जनता से मोहब्बत करते हैं, वो वोटों से मोहब्बत करता है, हम अपनी जनता से मोहब्बत करते हैं, जो कि हम इतने अपने हाथों से सफाई करते हैं। धन्यवाद। क्या आरोप थे और आपके साथ किस तरीके की अभद्रता? सर, कमरे में घुसने के बाद मैंने चेयर दी उनसे उठने के, सर ने कहा कि चेयर दे दो सर को, तो मैंने चेयर दी और फिर चेयर देने के बाद वो बैठे नहीं चेयर के ऊपर, और फिर गाली बहुत बुरी तरह से गाली बकने लग गए थे, फिर मैं तो उठ के कमरे से बाहर आ गई। किस बात को लेकर आपके साथ गाली गलौज की और कौन वहाँ बैठा हुआ? वो आते ही सीधे गाली बकने लग गए थे। किसको गाली बक रहे थे? सेक्रेटरी सर को और सभी अधिकारियों को, और मतलब बहुत गंदे तरीके से गाली बक रहे थे वो। तो उस पर आपको देखकर गाली बकी और किस तरीके से लगा आपको सब? तो अधिकारियों ने क्या रिएक्शन किया इस पे? क्या आप सेक्रेटरी सर ने ये कहा था कि यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, गुड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो आप आराम से पेश आओ, ऐसे गाली गलौज ना बको। फिर भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज का, फिर मैं निकल के सर बाहर आ गई थी। पार्षद है, धरने पे आप बैठी हुई है, धरना दे रहे हैं, अभी आरोप भी लगा रही है, कोई महिला भी आरोप लगा रही है, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, मैं ये मामला शायद शनिवार का, वो सॉरी शुक्रवार का है, शुक्रवार का है। वो पार्षद महोदय हमारे नगर परिषद में आए और अधिकारियों को कहने लगे कि जी शहर के अंदर इतना अतिक्रमण है, उसको हटाओ। तो वो पार्षद महोदय खुद ही तो यहाँ पर कहकर गए, और उनके कहने के अनुसार जब हमारी नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुँची, तो वहाँ उन्होंने हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनके साथ, जो जैसा कि मैंने वीडियो देखा है, मैं उस समय वहाँ नहीं थी, उन्होंने धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, और उसके बाद यहाँ आकर सेक्रेटरी साहब के कमरे में भी उन्होंने गाली गलौज की है, जिसमें हमारी महिला कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने प्रधान के कमरे में भी गाली गलौज की है। तो ऐसी अभद्र भाषा का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि बहन बेटियाँ सभी की बराबर हैं, और मैं ये समझती हूँ कि जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, मैं समझ सकती हूँ कि वो धरती पर किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता। नारी संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय है, हमारी बेटियाँ भी वहाँ पर हैं, हमारी माँ भी वहाँ पर होती है, हमारी बहनें भी परिवार में होती हैं, तो क्या हम अपने परिवार की बहन बेटियों के सामने भी ऐसी गाली गलौज करते हैं? जो हम यहाँ पर नगर परिषद कर्मचारियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मैंने उस बच्ची को देखा सेक्रेटरी साहब के कमरे से, इस कदर से वो भागी गाली सुनकर, जो वाकई में एक बहुत ही शर्म की बात है। मैं इस घटना की भी घोर निंदा करती हूँ, और मैं इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारियों के इनके साथ हूँ, और मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ, गलत के साथ ना मैं कभी थी ना मैं कभी रहूँगी। वाकई अगर बात करें तो शुक्रवार का था और आज सोमवार है, दो तीन दिन बीत गए, अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हो पाई? देखिए, FIR दर्ज नहीं हुई, मुझे इस विषय में अभी पता चली है कि सेक्रेटरी साहब आए थे, और इस मामले में हम भी अधिकारियों से बात करेंगे, और जहाँ भी जैसे भी इनकी मदद होगी हम करेंगे, और मैं खुद भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, महिलाओं को देखकर ज़्यादा बकवास करता हो, मैं खुद भी उसके लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के पक्ष में हूँ। ठीक है।